नगर के थाना गुजेनी क्षेत्र के अंतर्गत मर्दनपुर मूल सुविधाओं से वंचित रह रहे निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रेट सिटी बिल्डर के खिलाफ लगाए गए मुर्दाबाद किनारे ग्रेट सिटी में रह रहे निवासियों ने लगाए बिल्डर पर धोखाधड़ी से फ्लैट बेचने का आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिले के अधिकारियों से लगाई थी धोखाधड़ी न्याय की गुहार। ग्रेट सिटी के खरीद रखे थे 40 लाख रुपए कीमत के फ्लैट, नहीं मिल रही है वहां के पीड़ित निवासियों को पूरी तरह से सुविधाएं। सभी निवासियों ने ग्रेट सिटी के मुखिया बिल्डर परेश व रोहित पर धोखाधड़ी से फ्लैट बेचने का लगाया आरोप। पीड़ित निवासियों ने बिल्डर से संपर्क करने का प्रयास किया तो बिल्डर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। मेरा नाम राकेश कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी कहाँ है, किस चीज को लेकर? मैं यहाँ, मेरा यहाँ पे फ्लैट नंबर 310 है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब ग्रे सिटी में फ्लैट ओनर्स हैं, सबके कोई ना कोई फ्लैट है। और हम लोग यहाँ पे उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जो बिल्डर ने हम लोगों से फ्लैट देते समय वादा किया था, जो लिखित में दिया है। हम लोग आधारभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है, 8वें 9वें फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट नहीं है। इन सुविधाओं के लिए जिसका जो आदमी को आते ही 8वें फ्लोर पे मेरे एक मित्र महाजन जी रहते हैं जिनकी माताजी हार्ट पेशेंट है, होली के दिन लिफ्ट बंद हो गई और उनको नीचे से 8वें फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ा। भगवान ने बहुत अच्छा की उनकी कि ये काम कि वो बच गई और सकुशल है भी हमारे साथ। सड़क बनी नहीं थी, सड़क खुद ही पड़ी थी। उस गड्ढे में मेरे विनय सिंह चंदेल जी का बेटा गिरा और उसकी आंख के ऊपर पूरा फट गया। उसकी फोटो जब चाहे आप हमसे ले सकते हैं। आज आपने जो विरोध किया है, आज का विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर? आज का विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि इस बिल्डिंग में जिसमें 164 फ्लैट इन्होंने बनाए हैं उसमें बिजली के कनेक्शन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिजली का कनेक्शन ये लोग टेम्परेरी बेसिस पे दे रहे हैं। यहाँ तक ये दिक्कत है कि लोगों की रजिस्ट्री हो गई है, उनको फ्लैट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बिजली का कनेक्शन ही उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को जनरेटर से बिजली दे रहे हैं, उसमें बिजली कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट होती है। लोगों की नई नई जितने भी इक्विपमेंट है, इवन चिमनी फ्रिज, वो लोगों के फूक गए। हमारे उमेश जी के 103 नंबर फ्लैट में पूरी वायरिंग में आग लग गई उसकी वजह से। तो लोगों के जान माल का खतरा होने की बहुत उम्मीद है। फ्लैट में